सेक्शन नंबर क्लेम है वो अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट और मूवेबल प्रॉपर्टी और चोजन इन एक्शन, ये तीन कैटेगरीज होते हैं या आप कह सकते हो कि ये तीन बेसिस होते हैं जिसपे एक्शनेबल क्लेम लाई करता है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन डज एक्शनेबल क्लेम अराइजेस, एक्शनेबल क्लेम अराइज कब होता है? देखो, एक्शनेबल क्लेम अराइज तब होगा जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के राइट को इन्फ्रिंज करेगा, वॉयलेट करेगा। जैसे यहां पे मिस्टर बॉय के पास राइट है टू रिकवर लोन अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स, कि वो मिस्टर एक्स से लोन अमाउंट रिकवर करे, लेकिन मिस्टर एक्स पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी मिस्टर एक्स मिस्टर बॉय के जो राइट ऑफ रिकवरी है उसे वॉयलेट कर रहा है, तभी एक्शनेबल क्लेम अराइज होगा। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं चैप्टर 8 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करता है। एक्शनेबल क्लेम क्या है, उसे हमने अपने इनिशियल वीडियोस में विथ प्रॉपर नोट्स एग्जांपल्स केस लॉज समझा है। तो अगर आप वीडियो में नए हो तो इस वीडियो को जा करके देख सकते हो। इस वीडियो में आज हम सेक्शन 130 जो कि ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करता है उसे समझेंगे। और ये जो चैप्टर है आपका चैप्टर 8 ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, ये शुरू होता है 130 से लेकर के 137 तक। हम इस चैप्टर के 5 इंपॉर्टेंट सेक्शंस को कवर करेंगे, सेक्शन 130, 131, 32, 33 और 35। एग्जाम में क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि एक्शनेबल क्लेम क्या है, ताकि आपके माइंड में जो पिक्चर है एक्शनेबल क्लेम को लेकर के वो क्लियर रहे। हमने जाना था कि एक्शनेबल क्लेम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 3 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, राइट। एक्शनेबल क्लेम क्या है? अ क्लेम फॉर फुलफिलमेंट ऑफ विच, या जिसके रिलीफ के लिए लीगल एक्शन कैन बी टेकन, राइट। तो हम ये कह सकते हैं एक्शनेबल क्लेम क्या है, अ क्लेम फॉर रिलीफ ऑफ विच लीगल एक्शन कैन बी टेकन, ये है एक्शनेबल क्लेम, राइट। देखो, जब हम डेब्ट्स के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि दो तरह के डेब्ट होते हैं, एक होता है सिक्योर डेब्ट्स और दूसरा होता है अनसिक्योर डेब्ट्स। ठीक है, सिक्योर डेब्ट का मतलब होता है ऐसे डेब्ट्स जहां जो अमाउंट होता है बाय डेटर, यानी जो पर्सन किसी पर्सन से अमाउंट लेता है एज ए लोन, उसके बदले में एसेट सिक्योरिटी के तौर पर रखता है, वो क्या है, सिक्योर्ड डेब्ट है। एग्जाम्पल, मान लो ए ने बी से 20,000 rupees एज ए लोन लिया और बदले में बी के पास अपना स्कूटर रख दिया। तो यहां पे आप देखो कि दिस 20,000 अमाउंट ऑफ मनी इज टेकन अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ स्कूटर, तो ये क्या है, ये सिक्योर डेब्ट है। ठीक है, और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डेब्ट, जिसमें अगेंस्ट द लोन अमाउंट नथिंग इज केप्ट एज सिक्योरिटी, हम सिक्योरिटी के तौर पे नहीं रखते हैं कुछ भी एसेट। और ये जो होता है वो दो पर्सन के ट्रस्ट के बीच की बात होती है, उनके बीच कैसा रिलेशनशिप है, फेथ बिलीव अफेक्शन, राइट। जैसे ए ने बी से 20,000 rupees लिया बट इसके बदले में कोई एसेट एज ए सिक्योरिटी नहीं रखा, ये क्या हो गया, ये हो गया अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट, क्लियर। अब जो एक्शनेबल क्लेम होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है, अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सब्जेक्ट मैटर है किसका, एक्शनेबल क्लेम का,
वो क्या है? अनसिक्योर्ड मनी डेट, ठीक है? ओके, एक बात क्लियर हो गया। अब देखो, जब हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं तो हम जानते हैं कि मेनली दो तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो जो सब्जेक्ट मैटर है एक्शनेबल क्लेम का वो है मूवेबल प्रॉपर्टी, राइट? ये भी क्लियर? अब देखो, जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी के कैटेगरीज को देखते हैं तो मूवेबल प्रॉपर्टी के दो कैटेगरीज होते हैं। एक होता है चोजन इन एक्शन और दूसरा होता है चोजन इन पोजिशन, राइट? चोजन इन पोजिशन का मतलब है कि जो क्रेडिटर है यानी जो आपको लोन अमाउंट दे रहा है उसके बदले में आपसे किसी एसेट का ओनरशिप ले रहा है, यानी ओनरशिप ओवर एन एसेट इज विथ किसके पास रहेगा? क्लेमेंट के पास रहेगा, जो क्लेम करेगा अमाउंट को किससे? डेटर से, जिसको उसने अमाउंट दिया है, राइट? तो चोजन इन पोजिशन का मतलब होता है पोजिशन ऑफ एसेट, एसेट का पोजिशन रहता है किसके पास? क्रेडिटर के पास। क्रेडिटर मीन्स व्हाट? जो आपको पैसे दिया हुआ है, ठीक है? ओके, वो बदले में आपसे कोई सिक्योरिटी रखेगा तो उस एसेट का पोजिशन किसके पास होगा? उस क्रेडिटर के पास होगा। दिस इज कॉल्ड चोजन इन पोजिशन। और दूसरा होता है चोजन इन एक्शन, जिसमें जो क्लेमेंट है यानी जो क्लेम करेगा कि इस पर्सन ने इतना अमाउंट मुझसे इस डेट को लिया था, उसके पास किसी एसेट का पोजिशन नहीं होता है, राइट? तो ये जो एक्शनेबल क्लेम है वो अनसिक्योर्ड मनी डेट और मूवेबल प्रॉपर्टी और चोजन इन एक्शन, ये तीन कैटेगरीज होते हैं, या आप कह सकते हो कि ये तीन बेसिस होते हैं जिस पे एक्शनेबल क्लेम लाई करता है, ठीक है? ओके, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई, ठीक? मान लो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से 80,000 रुपीज लिया था, राइट? और बदले में मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई के पास कुछ भी चीज एज ए सिक्योरिटी नहीं रखा था, राइट? तो व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये है एक्शनेबल क्लेम, क्योंकि जो 80,000 मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से लिया है वो क्या है? वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है? और क्योंकि मिस्टर एक्स ने कोई भी एसेट एज ए सिक्योरिटी मिस्टर वाई के पास नहीं रखा है तो ये क्या है? अनसिक्योर्ड मनी डेब्ट है। और ये क्या है? चोजन इन एक्शन है, राइट? तो ये है एक्शनेबल क्लेम, राइट? अब मान लो, सपोज करो कि मिस्टर वॉय जो है, जिसने मिस्टर एक्स को ये 80,000 रुपीज दिया है, मिस्टर एक्स इस अमाउंट का पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्वेश्चन अराइज होता है, व्हेन डज एक्शनेबल क्लेम अराइजेस? एक्शनेबल क्लेम अराइज कब होता है? देखो, एक्शनेबल क्लेम अराइज तब होगा जब एक पार्टी दूसरे पार्टी के राइट को इन्फ्रिंज करेगा, वॉयलेट करेगा। जैसे यहां पे मिस्टर वॉय के पास राइट है टू रिकवर लोन अमाउंट फ्रॉम मिस्टर एक्स, कि वो मिस्टर एक्स से लोन अमाउंट रिकवर करे, लेकिन मिस्टर एक्स पेमेंट नहीं कर रहा है, यानी मिस्टर एक्स मिस्टर वॉय के जो राइट ऑफ रिकवरी है उसे वॉयलेट कर रहा है, तभी एक्शनेबल क्लेम अराइज होगा, ठीक है? ओके, क्लियर? अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो, मान लो मिस्टर एक्स ने टुक
अमाउंट एज डेब्ट, डेब्ट के तौर पे लिया है फ्रॉम मिस्टर एक्स, सॉरी फ्रॉम मिस्टर वाई, मिस्टर वाई से, ठीक है। अच्छा अब मिस्टर वाई कौन है, मिस्टर वाई इज फ्रेंड ऑफ एक्स, ठीक है। अब मिस्टर वाई के पास ये राइट है कि वो मिस्टर एक्स से जो भी अमाउंट मिस्टर एक्स ने उनसे लिया है वो उसे रिकवर कर सकते हैं। अब सपोज करो कि मिस्टर वाई ये कौन है, ये है क्रेडिटर, मतलब लेनदार, ठीक है। यानी मिस्टर वाई के पास ये राइट है कि ये अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं किससे, मिस्टर एक्स से, ऑन द डेट सो फिक्स्ड बाय मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स ने जो भी डेट फिक्स किया है कि इस डेट पे आपका पेमेंट हो जाएगा, उस डेट पे मिस्टर वाई उस पेमेंट को ले सकते हैं, he is having right। अब तो डेटर कौन है, डेटर है मिस्टर एक्स, डेटर मीन्स देनदार जो पैसे देगा, और क्रेडिटर कौन है, मिस्टर वाई, ठीक। अब मान लो मिस्टर वाई ने इस ट्रांजैक्शन को ट्रांसफर कर दिया मिस्टर जेड को, जो कि कौन है, इसका है ब्रदर, जो कि वॉय का ब्रदर है। तो यहां देख रहे हो कि एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम मिस्टर वॉय टू मिस्टर जेड, मिस्टर वॉय से मिस्टर जेड के पास एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हो रहा है। तो सपोज करो मिस्टर वॉय ने मिस्टर जेड को इस एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर दिया एज ए गिफ्ट। एक सिचुएशन मान लो कि मिस्टर एक्स का बर्थडे आ रहा है, तो मिस्टर वाई ने एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर दिया मिस्टर जेड को, ये कहते हुए कि देखो ये है मेरे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट, इतना अमाउंट ऑफ मनी मुझे रिकवर करना है मिस्टर एक्स से, अब ये एक्शनेबल क्लेम मैं तुम्हें ट्रांसफर करता हूं, तुम इस अमाउंट को मिस्टर एक्स से रिकवर कर लेना, वो तुम्हारा गिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज बताता है सेक्शन 130, What? ये कहता है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम। अब आइए हम सेक्शन 130 को देखते हैं। सेक्शन 130 कहता है कि एक्शनेबल क्लेम मे बी ट्रांसफर्ड आइदर विथ कंसिडरेशन, एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर हो सकता है विथ कंसिडरेशन एंड विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। अब मान लो हो सकता है कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर जेड को एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर किया, और क्योंकि मिस्टर वाई जानता था कि इस पर्टिकुलर डेट पर मुझे मिस्टर एक्स से पैसे मिलने हैं, मेरे पास एट प्रेजेंट आई एम इन रिक्वायरमेंट ऑफ मनी, मुझे पैसे चाहिए और मेरे पास पैसा नहीं है, तो ये क्या करता है, इस एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर देता है मिस्टर जेड को कुछ अमाउंट लेकर के। तो एक्शनेबल क्लेम का ट्रांसफर विथ कंसिडरेशन हो सकता है और विदाउट कंसिडरेशन भी हो सकता है, ठीक है, ओके। लेकिन अब देखो ये जो एक्शनेबल क्लेम है ये ट्रांसफर कैसे होगा, कह रहा है ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम बाय मिस्टर वाई टू मिस्टर जेड मेड थ्रू रिटन इंस्ट्रूमेंट ओनली। अगर मिस्टर वाई मिस्टर जेड को एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर करना चाहता है तो वो रिटन इंस्ट्रूमेंट के तहत होगा और उस पे साइन होगा, किसका, मिस्टर वॉय का। अगर साइन नहीं है तो थंब इंप्रेशन इट्स सफिशिएंट। तो सेक्शन 130 कहता है कि जो एक्शनेबल क्लेम है उसका ट्रांसफर रिटन इंस्ट्रूमेंट के तहत होगा और इट मस्ट बी ड्यूली साइन बाई ट्रांसफरर, जो ट्रांसफर कर रहा है उसके साइन होने चाहिए। ये है सेक्शन 130, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम सेक्शन 30 के प्रोविजंस को अगर हम देखें तो यहां पे क्या कह रहा है, यहां पे कह रहा है कि मान लो ये जो डेटर है यानी जो देनदार है, मतलब जो फ्यूचर में पैसे किसको देगा, वॉय को देगा। वाई कौन है, क्रेडिटर है, और वाई कौन है, ट्रांसफरर है, जो
एक्शनेबल क्लेम को ट्रांसफर कर रहा है जेड, जो कि कौन है, इसका ब्रदर है, ठीक है। अब कह रहा सपोज करो कि ये जो डेटर है, ही इज नॉट अवेयर, इसे पता नहीं था, इसे नोटिस नहीं था कि जो एक्शनेबल क्लेम है उसे मिस्टर वॉय ने मिस्टर जेड को ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। तो कह रहा है द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन स्टेट्स दैट इट इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि जो डेटर है मस्ट हैव नोटिस, उसे नोटिस हो रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, राइट। अब अगर हम आगे देखें तो ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन कहता है कि इन केस ट्रांसफर क्लेम्स फॉर मनी ओरिजिनल क्रेडिटर एंड डेटर हैव नो नोटिस अबाउट ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम टू जेड एंड पेज अमाउंट, तब क्या होगा। अब कह रहा है कि मान लो कि पहली बात तो ये हो गई कि अगर डेटर को पता नहीं है कि जो एक्शनेबल क्लेम है वो ट्रांसफर कर दिया गया है, तो ये सेक्शन कहता है कि देयर इज नो नेसेसिटी कि डेटर को ये पता ही हो कि एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो गया है। लेकिन मान लो अगर इसे पता नहीं है और वॉई क्या कहता है, वॉई मिस्टर एक्स से अमाउंट रिकवर कर लेता है, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो चुका है जेड को, लेकिन वॉई चालाकी करता है और सोचता है कि क्योंकि मिस्टर एक्स को नॉलेज नहीं है, नोटिस नहीं है रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम, और वो इससे अमाउंट रिकवर करता है और डेटर बिकॉज ऑफ हैविंग नो नॉलेज पैसे पे कर देता है वॉई को, तो क्या होगा। तो कहता है द प्रोवाइजो ऑफ दिस सेक्शन प्रोवाइड्स रिलीफ टू डेटर, इस सेक्शन के जो प्रोवाइजो हैं वो डेटर को रिलीफ पहुंचाते हैं कि क्योंकि डेटर के पास नोटिस नहीं था सो जो क्रेडिटर है यानी जो ट्रांसफरी है वो क्लेम नहीं कर सकता है, यानी अब एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हो गया था जेड को, तो क्रेडिटर कौन बन गया था, क्रेडिटर बन गया था जेड, ठीक है, बिकॉज ही इज हैविंग राइट टू रिकवर द अमाउंट। जैसे ही एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफर हुआ है वॉइस से जेड को, तो जो राइट टू रिकवर अमाउंट है वो वॉइस से जेड को शिफ्ट कर गया है, ठीक है। तो मान लो अगर कल को क्लेम करता है कौन, ट्रांसफरी, कि तुमने पैसे उसको पे कर दिए जबकि एक्शनेबल क्लेम मुझे ट्रांसफर हो गया था, तो यू हैव टू मेक पेमेंट राइट नाउ टू मी। तो ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन के जो प्रोविजो है वो डेटर को रिलीफ देते हैं कि वो पैसे पे करने के लिए बाउंड नहीं है बिकॉज ही हैड नो नोटिस दैट एक्शनेबल क्लेम वॉज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाई टू जेड, क्लियर है। चलिए अब देखो, अब सब सेक्शन टू क्या कहता है, सेक्शन 130 का। तो ये सब बातें सब सेक्शन वन में थी, अब देखो सब सेक्शन टू क्या कहता है सेक्शन 130 का। ये कहता है कि इन केस ट्रांसफरी फाइल्स अ सूट अगेंस्ट डेटर फॉर रिकवरी ऑफ मनी, ही कैन फाइल सूट एज ही इज ट्रांसफरी एंड हैव ऑल राइट व्हिच अ ट्रांसफरी पॉसेस। अब ये कहता है कि मान लो कि ये जो ट्रांसफरी है वो एक सूट फाइल करता है इन द कोर्ट ऑफ जस्टिस कि मिस्टर एक्स जो है मुझे पेमेंट नहीं किया है, तो ये सूट फाइल कर सकता है बिकॉज क्योंकि एक्शनेबल क्लेम इसे ट्रांसफर हो गया है, तो ये ट्रांसफरी है और ट्रांसफरी के जो जो राइट्स हैं वो इसे बिलोंग करते हैं, तो ही कैन सूट इन द कोर्ट, वो जो है जो ट्रांसफरी है वो फाइल कर सकता है केस कोर्ट में बिकॉज ही इज ट्रांसफरी, लेकिन इज नॉट बाउंड, ये बाउंड नहीं है टू मेक द पेमेंट, ठीक है, ओके। अब एक्सेप्शंस क्या है इस सेक्शन के, एक्सेप्शंस क्या है, कह रहा है सेक्शन 130 के जो प्रोविजंस हैं एक्शनेबल क्लेम के वो फायर इंश्योरेंस और माइन इंश्योरेंस के केस में लागू नहीं होते हैं। आप लिखो द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 130 रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मैराइन इंश्योरेंस एंड फायर इंश्योरेंस।
तो ये था सेक्शन 130 जो ट्रांसफर ऑफ एक्शनेबल क्लेम के बारे में बात करता है। आई होप कि सेक्शन 130 आपको क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दीजिए। अब अपने आगे के वीडियोस में हम ये जो हमारे सेक्शंस हैं सेक्शन 131, 132, 133, 135 इन्हें कवर करेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।